बांस से बनी चीजों का प्रयोग आज भी कहीं ना कहीं जरूर किया जाता है, लेकिन इन बांस से विभिन्न तरीके की चीजें बनाने वाले कामगार इन दिनों काफी ज्यादा परेशान हैं। गाछा समाज द्वारा यह बांस के विभिन्न प्रकार के आइटम तैयार किए जाते हैं, लेकिन इनका कहना है कि अब उनको उतना मुनाफा नहीं मिल पाता जितना पहले मिला करता था। यह असम से बांस खरीदते हैं, लेकिन इन बांसों से इनकी आमदनी उतनी नहीं हो पाती। कई बार तो ऐसे दिन भी देखने पड़ते हैं जब इन्हें खाली हाथ ही घर लौटना पड़ता है और दिन भर बैठकर यह बांस से विभिन्न प्रकार के आइटम तैयार करते हैं, जिसमें बांस की टोकरियां, डिब्बे, पंखे, चटाई के साथ ही विभिन्न तरीके के आइटम्स को तैयार किया जाता है। इनका कहना है कि बांस के आइटम बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगती है। पीढ़ियों से यह काम होता आ रहा है, लेकिन शायद यह आखिरी पीढ़ी है जो इस काम को कर रही है। आने वाली पीढ़ियां शायद इस कार्य को नहीं करेगी, क्योंकि इसमें इतना मुनाफा भी नहीं है और सरकार की ओर से कोई मदद भी नहीं की जा रही। तो चौथी पीढ़ी हो गई, हम चौथी पीढ़ी से यही धंधा कर रहे हैं। जो देखो गिराकी आती है महीने दो महीने में, वो गिराकी के हिसाब से चलती है। अब गिराकी थोड़ी बहुत कम पड़ गई है, अब पहले गिराकी जैसी गिराकी है ही नहीं। आते हैं तो हम धंधा कर लेते, नहीं आते तो वह बैठे रहते। कोई टाइम आता, एक दिन आती गिराकी, दूसरे दिन नहीं भी आती तो भी बैठे रहते हैं। कीमत बड़े टोकरे की 100 भी है, 150 भी है, छोटे वाले 100 रुपये भी है, उससे 50 वाली भी है, 30 वाली भी है, 20 वाली भी है। पहले इस ये है कि गिराकी के ऊपर है, गिरा के ऊपर है। कोई आ जाए तो 200-400 रुपये का गिराक रोज का ही आ जाए, और नहीं आवे तो एक दिन का नहीं भी आवे। इसमें कोई ऐसे नहीं है केवल कोई 1000 रुपये रोज का आ रहा है, 500 रुपये रोज का आ रहा है। क्या कारण है जिस वजह से आपको लगता है कि आपकी चीज़ों की डिमांड करती है? शादी ब्याह होते तो गिराक चलते हैं, शादी ब्याह नहीं होते तो गिराक का। हमारी एक गोल टोकरी चलती है, बड़ी टोकरी चलती है, और यह है जो 56 भोग के लिए प्रसाद चढ़ता है उसमें, और यह हर चीज़ में हर जगह पर जाती है, पूजा वगैरह होती है, हर चीज़ के अंदर इसकी सामग्री रखने में पूजन में काम में आती है। पर हमारे जो हम इसकी कीमत बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारी कीमत अभी हमारे को दे नहीं रहे हैं आगे से, और ये भी हमें पता नहीं कि आगे क्या इनकी कीमत लेते देते हैं। और ग्राहक होती है तो अच्छी चलती है।